Bonjour my friends, how are you? I hope God will fulfill all your desires as soon as possible. I am your well-wisher Meenakshi Sharma. Welcome back to your right path. Welcome Canada. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will receive notifications related to your solutions. I know it's everyone's dream to settle down in Canada as soon as possible. But remember my sweet viewers, हम सब कनाडा में क्यों सेटल होना चाहते हैं? क्योंकि we want to make a satisfied life and huge bank balance in our bank account, right? Yeah, my friends, I am talking about bank account. So let's get started today's topic, जो कि related है top traditional banks in Canada, which is good for newcomers here in Canada and want to give you exciting offers so that you will receive open an account in these traditional banks, right? Dear viewers, before opening a bank account, the first keep in mind these things: your banking needs, your monthly fee, your transaction fee, your assess, and your interest rate of that particular bank, right? In bank needs, आपको क्या needs हैं, bank account से आप कितनी monthly transaction कर सकते हैं, आपके bank account के ऊपर कितनी fee लगती है, आपकी transaction fee कितनी है, after 1 year आपको कितनी transaction fee देनी पड़ेगी, क्या आप online banking से familiar हो, क्या आप किसी अपनी होम कंट्री में जो मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो फैसिलिटी आपको ये बैंक दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपको स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट ओपन करना है या फिर चेकिंग अकाउंट ओपन करना है या फिर दोनों अकाउंट ओपन करने चाहिए, या फिर आपको TFSA RRSP डिडक्शन में अकाउंट से कर सकते हो कि नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ ये अकाउंट बैंक बैलेंस देता है कि नहीं, राइट? डियर व्यूवर्स, जो यहाँ का कनाडा का बैंकिंग सिस्टम है, इट्स टोटली अपोजिट टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो हमारे इंडिया में होता है कि हमें वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई मिलता है, बट इन कनाडा जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वो आपको सेविंग अकाउंट पर मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलता यहाँ पर, राइट? सो कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू ओपन अकाउंट इन अ बैंक. सो माय फ्रेंड्स, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्कोशिया बैंक के बारे में. दैट इज़ द वन ऑफ द ट्रेडिशनल बैंक इन कनाडा. स्कोशिया बैंक स्टार्ट राइट प्रोग्राम, इसके तहत आपको एक प्रेफर्ड पैकेज दिया जाता है जिसमें यू कैन अर्न अप टू $300 जो आपको वेलकम बोनस दिया जाता है स्कोशिया बैंक की तरफ से. और इसकी जो टॉप फीचर्स क्या हैं कि यू कैन अर्न एडिशनल 0.05% इंटरेस्ट ऑन योर मोमेंटम सेविंग अकाउंट, राइट? कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है सेविंग अकाउंट में, 0.05% है. सेकंड इज अनलिमिटेड डेबिट ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं, इंटरेक्ट ई ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन दी जाती हैं. ये $300 वेलकम बोनस जो है वो आपको रिलेटेड डिटेल्स जितनी भी हैं आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, राइट? और आप जो है इस अकाउंट के थ्रू अपनी मनी सेंड कर सकते हो ग्लोबली $1.99 इंटरेस्ट पर, जो आपको पे करना होता है चार्जेस. स्कोशिया इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र चार्जेस हैं. ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप अकाउंट ओपन करोगे कि आपका जो मंथली फ़ी कितनी है आफ्टर 1 ईयर. आपको इन चीज़ों का कंपेरिजन करना है इन सारे बैंक्स में, राइट? कि आपको जो ट्रांजेक्शन फ़ी कितनी लगेगी, आपका जो मनी ट्रांसफ़र है इज़ देर एनी चार्जेस और ऑन इट और नॉट, और आपके क्रेडिट कार्ड का जो है वो नो एनुअल फी है कि उस पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर. सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, राइट? सेकेंड बैंक ऑन दिस लिस्ट इज HSBC बैंक. ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है, डिफरेंट टाइप्स देता है ओपनिंग एन अकाउंट की, कि जितने वेलकम बोनस ऑफर्स हैं वो आपकी अकॉर्डिंग टू डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने अमाउंट देते हो, उसके हिसाब से ही आपको इसमें वेलकम बोनस जो दिया जाता है. कि आपको अगर इसमें आप $25,000 जो कैनेडियन डॉलर है उसको आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराते हो तो यू कैन सी द एडिशनल अकाउंट फीचर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद HSBC, राइट? HSBC जो है वो मिनिमम वेलकम बोनस जो है वो $350 देता है, जिसमें 3 इजी स्टेप्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं. $300 आपको जैसे ही आप चेकिंग अकाउंट ओपन करते हो वैसे ही आपके अकाउंट में आ जाते हैं, और जब आप इस चेकिंग अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो देन यू विल रिसीव $50 एडिशनल विद इन योर अकाउंट, राइट?
ऐसा है जी, जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो आफ्टर दैट यू विल डिपॉजिट अमाउंट इन योर RRSP अकाउंट और RESP अकाउंट और TFSA, मॉर्गेज, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, शेयर, स्टॉक, ETFs, REITs, तो इन सब के ऊपर आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स इन डिटेल, राइट? The third traditional bank on this category is RBC Bank. RBC offer valued up to $550, no monthly fee banking for 1 year, no credit history required for RBC Bank account clients. You can get up to 6,000 rewards point with RBC Reward Plus Visa credit card. Iska jo credit card hai wo no annual fee hai, keep in mind no annual fee credit card deta hai RBC aapko, aur के ऊपर जो है आप अनलिमिटेड डेबिट ट्रांजेक्शन कर सकते हो इन कैनेडा इस RBC अकाउंट के थ्रू. दे कैन इशू यू वन बुक ऑफ 50 चेक फ्री, राइट? यहाँ पे कैनेडा में क्या है जी, जो चेक बुक है उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो आपको जो चेक्स हैं आप जो इनको करते हो, आप इंडिया में ध्यान नहीं देते चेक काटते वक्त, लेकिन कैनेडा में आपको हर चेक को बड़े ध्यान से काटना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है चेक को भरते हुए. सो ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, राइट? You can enjoy the value program that have no additional cost, right? You can get 2 free international money transaction per month for a year. You will get free small safe deposit box for 2 years in RBC bank account, right? और RBC जो है वो आपको एक मैपल कवरेज देता है ऑनलाइन डॉक्टर बुकिंग की फॉर 1 year. देयर वेलकम बोनस फॉर एवरी मेंबर ऑफ RBC, राइट? RBC gives you free online doctor visit through Maple, which is good. Those are the coming in winter in Canada here. Offer ends 31st October 2021 and it must be used by February 28, 2022, right? मुझे जो है RBC का वेलकम बोनस जो प्लान है इसका, न्यू कमर एडवांटेज, RBC न्यू कमर एडवांटेज अकाउंट है, इसकी फीचर्स अच्छी लगी हैं. यू कैन गो थ्रू ऑन द RBC वेबसाइट एंड रीड ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट विद RBC. यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स ऑन देयर वेबसाइट, राइट? तो जो नेक्स्ट बैंक है वो है जी CIBC बैंक, जो हमें वेलकम टू कैनेडा बैंकिंग पैकेज के थ्रू हमें अकाउंट ओपन में फैसिलिटीज देता है. यू कैन गेट अप टू 1200 इन वैल्यू ऑफ रिटर्न्स हियर इन विद CIBC, नो मंथली फी, एवरी डे बैंकिंग फॉर 1 year, एवरी डे परचेजेज विद अ क्रेडिट कार्ड और CIBC, देयर इज नो सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर्ड फॉर CIBC. You can just go and enjoy all your shopping with CIBC credit card, right? With CIBC, no monthly fee, everyday banking for 1 year. You can also get up to $60 cash back on a safety deposit box, right? With CIBC credit card, you will build your credit history. There is no security deposit, unlimited transaction, no monthly fee banking for permanent resident, international students and foreign workers. My sweet viewers, अब जो है हम BMO Traditional Bank को डिस्कस करेंगे. वेलकम ऑफर गिवन बाय BMO Bank. यू कैन enjoy अनलिमिटेड मंथली ट्रांजेक्शन विद नो मंथली फी फॉर 1 year. आपको स्मॉल सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स मिलेगा फॉर 1 year विद नो कॉस्ट एंड दैट इज फ्री फॉर 1 year. आफ्टर दैट, आफ्टर 1 year यू विल चार्ज फॉर दिस. BMO gives you a special offer. Read it carefully. BMO gives you a special offer. Get 3 GB of bonus data each month for 12 months with Charter Mobile when you open a BMO New Start program चेकिंग अकाउंट. यानी कि जैसे ही अगर आप BMO के साथ जुड़ते हो, उसमें अपना चेकिंग अकाउंट ओपन करते हो, तो BMO जो है वो आपको 12 मंथ्स तक यानी कि 1 साल तक हर मंथ 3 GB चार्टर मोबाइल का डाटा प्लान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देगा. ये उसका वेलकम बोनस है आपके लिए, राइट? अगर आप BMO में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको वेलकम बोनस $300 ऑनलाइन ओपनिंग बोनस मिलता है एंड यू कैन अर्न अप टू एक्स्ट्रा $50 व्हेन यू मेक इट अ फैमिली बंडल, राइट? और BMO क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको फर्स्ट 3 months के लिए 5% कैशबैक रिवार्ड मिलेगा. आफ्टर 3 months यू कैन अर्न 3% कैशबैक ऑन ग्रोसरी परचेजेस एंड 1% कैशबैक ऑन रिकरिंग बिल्स आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलेगा. दैट्स गुड फॉर BMO बैंक बैलेंस.
I like the welcome offer of BMO also, right? Now we will discuss the TD Bank. TD Bank is the newcomer's facility for TD Bank. क्या हमें दे रहा है कि ये no monthly fee for 12 months है. Welcome bonus जो है वो $300 का ही इसमें मिलता है same. और when you open account, checking account with TD Bank, तो आपको unlimited transactions मिल जाती हैं. No TD fee to use ATM in entire Canada. अगर आप entire कनाडा में ATM यूज करते हो तो आपको TD फीस नहीं लगेगी. फी मंथली ट्रांजैक्शंस विद इंटरेक्ट ई ट्रांसफर्स जो हैं वो भी फ्री हैं, उस पर भी आपको फी नहीं लगेगी. यू कैन विजिट टू TD बैंक अकाउंट वेबसाइट एंड सर्च अ लॉट अबाउट द ऑफर्स ऑफ TD बैंक दैट आर रिलेटेड टू न्यू कमर्स एंड द TD बैंक क्रेडिट कार्ड विच ऑफर्स यू विल गिव बाय द TD checking account with the TD members as a newcomer in Canada, right? Actually, my sweet members of Welcome Canada, it's my advice to all of you, when you open an account here in Canada, always compare all these things in your mind: your monthly fee, your transaction fee, your safety deposit box fee, your interest rate, your assess your account features, like is there any charges when you send money your home country. तो इन चीज़ों को आपको कंपेयर करना है, ना कि आपको ऑफर्स को कंपेयर करना है. क्योंकि देखो, जो ऑफर्स होती हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती हैं. आपको वन मंथ के लिए मिल जाती हैं, टू मंथ्स के लिए मिल जाती हैं. बट आपको जो कंपैरिजन, रियल कंपैरिजन जो करना है, वो आपको इन फीस के ऊपर करना है कि वेन यू ओपन अ बैंक अकाउंट इन कैनेडा, तो आपको आफ्टर वन ईयर क्या अकाउंट के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, राइट? लाइक जैसे इंडिया में हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम कोई फ़ी नहीं देते हैं बैंक को, लेकिन इन कनाडा जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें कुछ चार्जेस जो हैं वो कैनेडियन बैंक्स को पे करने पड़ते हैं, बिकॉज दे हैंडल अवर मनी सेफ, राइट? आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो क्रेडिट कार्ड आपको इन बैंक्स के थ्रू मिल रहा है, कि उस पर एनुअल फ़ी चार्जेस तो नहीं है. कि अगर बेटर होगा कि अगर आप उस पर नो एनुअल फ़ी चार्जेस लो, राइट? लाइक स्टार्टिंग में हम क्यों एनुअल फ़ी दें? हम ऐसा क्रेडिट कार्ड मेंटेन करते हैं जिस पर एनुअल फ़ी हो ही ना, लाइक RBC की फ़ीचर्स हैं. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट एज अ न्यू कमर इन कैनेडा. तो आप क्या हैं, आप अपनी होम कंट्री से भी यहाँ पर जब आप आना है, लैंड करने वाले होते हो, उससे पहले आप इंटरनेशनल ओपन अकाउंट खोल लेते हो बैंक के थ्रू. ये एक फैसिलिटी आपको कैनेडियन बैंक्स देते हैं. उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपको अपना PR कार्ड चाहिए. अगर आपके पास PR कार्ड अभी नहीं है तो आपको जो COPR इशू हुई हुई है उसके थ्रू भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो. और जो वर्क परमिट पर यहाँ कैनेडा में आए हुए हैं वो अपना वर्क परमिट का ID दिखाकर ओपन कर सकते हैं. आपको एक SIN नंबर दिया जाता है, उस SIN नंबर को आपको ये सबमिट करवाना होता है. आपको 1 or 2 वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो ID या फिर जो आपका पासपोर्ट है उसकी फोटोकॉपी, या आपका जो लैंडिंग डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी, और जो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है कनाडा में उनकी फोटोकॉपीज को आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है. तो आप ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आपका बैंक को ओपन होता है. और रिमेंबर माय फ्रेंड्स, व्हेन यू ओपन अ इंटरनेशनल बैंक अकाउंट इन हियर इन कैनेडा बिफोर कमिंग हियर, तो जब आप यहाँ पर लैंड होते हो तो फर्स्ट यू मेक एन अपॉइंटमेंट विद योर बैंक, राइट? क्योंकि जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हो तो आपको वेट नहीं करनी पड़ती, वो आपका सारा काम जो है वाया पहले ही कर देते हैं. क्योंकि अब विदाउट अपॉइंटमेंट अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको डिले फेसेस करने पड़ेंगे, राइट? इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ईच बैंक्स ऑफर्स इन डिटेल, राइट? स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे सारी बैंक्स की ऑफर्स को, उनकी डिटेल्स को, कि हमें TFSA, इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेज, ये हमारे को लॉन्ग टर्म में क्या क्या मिल रहा है, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल.